हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी एट क्वेश्चन ट्रिक्स। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि अगर आपके पास एक लैपटॉप है या फिर कोई कंप्यूटर है, तो अगर आपने उसे बहुत दिनों से अपडेट नहीं किया है, लंबे टाइम से अपडेट नहीं किया है, तो आपका कंप्यूटर या लैपटॉप जो है बहुत ही ज़्यादा स्लो हो गया होगा, अच्छे से वर्क नहीं कर रहा होगा। चूँकि क्या होता है कि उसे टाइम टाइम पर अपडेट करना होता है, तो मैं बताने वाला हूँ कि अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को अपडेट कैसे करें, अगर अपडेट नहीं होता है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, उसे कैसे अपडेट करेंगे, ये सारा प्रोसेस मैं आपको आज बताने वाला हूँ। वीडियो को स्टार्टिंग से अंत तक देख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए और आप भी अपने कंप्यूटर को फास्ट कर सकें, क्योंकि स्लो होने का एक कारण ये भी होता है कि आपका कंप्यूटर अपडेट नहीं हो रहा है। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। हाँ, तो गाइस, जब भी आपको कंप्यूटर या लैपटॉप अपडेट करना होता है तो सबसे पहले आपको जाना है सेटिंग में। तो यहाँ स्टार्ट बटन पे आप क्लिक करोगे और चले जाओगे अपने सेटिंग में, ठीक है। आप सेटिंग में जाने के बाद सेटिंग में जाओगे, यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको सिस्टम का, ठीक है। सिस्टम पे जाओगे और सिस्टम पे जाने के बाद यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडो अपडेट, ठीक है। आप डायरेक्ट सर्च भी कर सकते हो, उस विंडो अपडेट पे आपको करना है क्लिक और उसके बाद यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आएगा चेक फॉर अपडेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करना है क्लिक। इस तरह से जब आप क्लिक करोगे तो आपके विंडोज़ में अगर अपडेट नहीं रहेगा तो वो अपडेट अवेलेबल हो जाएगा और आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बता रहा है यू आर अप टू डेट, मतलब यहाँ अपडेट है। अगर आपका अपडेट नहीं होगा तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा और अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। और अगर अपडेट होने में प्रॉब्लम होता है, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर प्रॉब्लम आता है तो आपको क्या करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, इसे पहले कट कर लोगे और फिर आपको सर्च कर लेना है सर्विस। क्या सर्च करना है? SER, तो आ जाएगा सर्विस। इस तरह से सर्विस ओपन करना है आपको, और सर्विस ओपन करने के बाद क्या होता है कि विंडो अपडेट बंद होता है। तो इसके बाद आप इसमें से किसी एक पर क्लिक करके कीबोर्ड से टाइप करोगे W और W वाले में आप ढूंढ लोगे विंडो अपडेट। यहाँ पे आपको सर्च करना है, ढूंढना है विंडो अपडेट, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे मिलेगा, ये देखिए विंडो अपडेट पर आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखिए मैनुअल है, हो सकता है आपके केस में ये डिसेबल हो, तो डिसेबल होगा तो आप कर दीजिएगा इसको मैनुअल या फिर ऑटोमेटिक, ठीक है। मैनुअल करके फिर आप कर दोगे यहाँ पे, ठीक है। ये जो है स्टार्ट होना चाहिए, यहाँ पे अगर स्टॉप रहेगा, जैसे कि अभी क्या है स्टॉप है, तो आप क्या करोगे मैनुअल कर दोगे और यहाँ से स्टार्ट कर दोगे। अगर स्टार्ट है तो आपको कुछ नहीं करना है, मैनुअल करके अप्लाई और ओके इस तरह से कर लोगे और फिर आपको जाना है अपने सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद फिर से आप करोगे चेक फॉर अपडेट, चेक फॉर अपडेट करोगे और जो भी अपडेट होगा वो आपका अपडेट हो जाएगा। आपको ध्यान रहे कि आपके कंप्यूटर में इंटरनेट चलता रहना चाहिए, तभी अपडेट हो पाएगा। ओके, हाँ, तो गाइज आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियोज देखते रहने के लिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।